और ये गोगा जी स्कूल है, तो यहाँ का माहौल भी देखिएगा, इस स्कूल का माहौल काफी खुश। तो हे गाइस, सलाम नमस्ते, और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू व्लॉग रणवीर व्लॉग चैनल में। सो गाइस आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त 1947 में तो आपको मालूम ही है गाइस क्या हुआ था, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, और हर धर्म हर जाति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग मनाते भाई इस त्यौहार को। सो हमारे आसपास एरिया का कुछ माहौल ऐसा है गाइस कि हर घर पर तिरंगा लग चुका है, और थोड़ी बहुत देर में मैं भी अपने घर पर तिरंगा लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी लेकर आने वाला हूँ गाइस को। पिछले साल का जो तिरंगा था मेरा, तो वो फट गया, तो मैंने अभी मतलब अभी लेकर आऊँगा, फिर लगाऊँगा गाइस मैं अपने घर पर भी। सो मैं अभी आसपास का माहौल आपको दिखाता हूँ गाइस। तो ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग को पूरा देखना और काफ़ी मज़ा आएगा। और हमारे जो सामने स्कूल है गाइस, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा माहौल है और उसमें प्रोग्राम होने वाला है, और अभी हमें थोड़ी बहुत देर में कोचिंग भी जाना है, तो कोचिंग में भी देखेंगे कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या मतलब क्या होने वाला है हमारी कोचिंग में। कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है गाइस। सो मैं अपने आसपास का माहौल दिखाता हूँ कि हर घर पर तिरंगा लगा हुआ है, तो बैक कैमरे से गाइस आपको दिखाता हूँ मैं अपने आसपास का। पर देखिए गाइस, और ये तिरंगा लगा हुआ है सामने वाले घर में, और ये गोगा जी स्कूल है, तो यहाँ का माहौल भी देखिए गाइस। स्कूल का माहौल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब पूरा रोड भी सजा दिया भाई, और पूरा तिरंगे लगे हुए हैं चारों तरफ स्कूल के, तो बहुत ही अच्छा माहौल है गाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और देखिए हमारे आसपास एरिए के कितने मतलब झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए तिरंगे लगे हुए हैं गाइस, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई त्यौहार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब। तो मैंने आपको अपने आसपास का एरिया दिखाया, और कैसा लग रहा है भाई हमारे आसपास का एरिया, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और लग रहा है भाई मतलब 15 अगस्त है। सो काफ़ी अच्छा माहौल है, और चारों तरफ मतलब झंडे लगे हुए हैं, तिरंगे लगे हुए हैं, और स्कूल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब चारों तरफ रोड भी सजा दिया है और स्कूल भी सज रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। सो आज के ब्लॉग में यही दिखाने वाला है आपका भाई कि आपका भाई क्या करने वाला है पूरे दिन में, 15 अगस्त वाले दिन क्या करने वाला है, और गाइस कैसा माहौल है वो माहौल भी दिखाऊँगा मैं अपने आसपास एरिया का, कैसा माहौल है। अभी जा रहा हूँ मैं कोचिंग गाइस, तो कोचिंग का भी माहौल दिखाऊंगा आपको, कैसा कोचिंग का माहौल है हमारी का। सो गाइस जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो ब्लॉग को पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आएगा भाई ब्लॉग में, पूरा देखना भाई। चलते हैं गाइस, अभी कोचिंग के लिए तैयार होते हैं, और फिर उसके बाद मिल यहाँ पर गोवा जी के दूसरे स्कूल की रैली गोवा जी में आ चुकी है, क्योंकि गोवा जी में होने वाले गाइस प्रोग्राम, तो सारे स्कूलों के बच्चे गोवा जी में इकट्ठे किए जाते हैं, मतलब गोवा जी के जितने भी स्कूल हैं गाइस, ये रैली जो आई है ये नुनियाई से आई है, तो ये गोवा जी का स्कूल है, और ये सारे बच्चे गोवा जी में बुलाए गए हैं, और एक हमारे घर के पीछे भी है, उस स्कूल के भी बच्चे गोवा जी में ही बुलाए गए हैं गाइस, क्योंकि सारे बच्चों को एक ही जगह इकट्ठा करके और प्रोग्राम किया जाता है। ये रेड ड्रेस वाले जो दिख रहे हैं, हमारे घर के पीछे स्कूल है गाइस, तो सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, फिर प्रोग्राम होगा गाइस, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, और सारा दिन होगा। चलते हैं अभी कोचिंग। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर क्लास, और सुबह मतलब मैं गया था गाइस क्लास के लिए गया था, तो आज क्लास लगी नहीं थी, क्योंकि आज उन्होंने 15 अगस्त की वजह से छुट्टी कर दी, और छोटा मोटा प्रोग्राम रखा है उन्होंने, तो 1 बजे के टाइम पे उन्होंने बुलाया था, मतलब सर ने बुलाया था हमें 1 बजे के टाइम पे। सो अभी 1 बज चुके हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर क्लास गाइस, तो देखते भाई क्या प्रोग्राम होता है वहाँ जाके, और आप लोगों को अगर कोशिश करेंगे कि ब्लॉग में दिखा सकें, तो गाइस ब्लॉग में भी दिखाएंगे, अगर कोशिश हुई तो आपको पक्का दिखाएंगे ब्लॉग में कि क्या प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे। सो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से ही और कंप्यूटर क्लास के लिए, तो चलते गाइस जल्दी पहुँचते हैं कंप्यूटर क्लास, क्योंकि 1 बज चुका है, 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया गाइस, तो चलते गाइस।
यहाँ पर प्रैक्टिकल के बाद हुए गेम इस लड़के के कान में दूसरी पार्टी वालों ने और एक मूवी का नाम बता दिया है। तो गाइस ये एक्टिंग करके उस मूवी को अपनी पार्टी वालों को बता रहा है कि कौन सी मूवी है गाइस। तो काफी अच्छा गेम था, मजा आ गया गाइस। सो अभी आपका भाई आ चुका है घर पे कंप्यूटर क्लास से और काफी मजा आया भाई, मतलब कंप्यूटर क्लास में भी बहुत ही ज्यादा मजा आया और एंजॉय किया भाई वहां पर जाकर। और काफी सारे बच्चे थे, मतलब सारे बैच के मिलाकर और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तो हम लोगों ने गेम भी खेले और कुछ लोगों को प्राइज भी मिले। मतलब ऐसा हुआ था गाइस कि कुछ लोगों ने जो काफी टाइम से कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स, उन लोगों को प्राइज मिले थे। किस पे? मतलब उन लोगों ने प्रैक्टिकल किए थे और काफ़ी खूबसूरत प्रैक्टिकल बनाए हैं, मैंने व्लॉग में भी अपलोड किए हैं। सो गाइस आप लोग देखकर बताना कि कैसे लगे आपको प्रैक्टिकल। तो बहुत ही खूबसूरत प्रैक्टिकल बनाए हैं उन्होंने 15 अगस्त पर और तुम्हारे त्योहारों पर और हमारे देश की, मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी इमारतें उन सब पर प्रैक्टिकल बनाया। तो काफ़ी खूबसूरत प्रैक्टिकल बनाए गाइस। तो अभी मैं घर पर आ गया था भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। सो गाइस आज के व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी अगला व्लॉग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और कमेंट करना कि व्लॉग कैसा लगा, और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है तो व्लॉग को पूरा देखना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू व्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।